रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 10D. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स क्या है. फर्स्ट है, सेकंड है, हाँ अच्छा एक मिनट बेटा, जिसको पता है वो आंसर नहीं बोले है ना, जिसको पता है वो आंसर नहीं बोले है ना. देखो बेटा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी फोर साइड होती है. कितनी साइड होती है? फोर साइड. बेटा क्वाड्री का मतलब ही होता है फोर, तो क्वाड्री लिखा जाता है ना, और एक लेटरल लिखा जाता है तभी तो बनता है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्री मतलब होता है फोर और लेटरल मतलब होता है साइड. जिसकी फोर साइड हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल फोर साइड है तो हम लोग लिख दो कितनी साइड है? फोर. अब वो साथ में पूछ रहा है कि वर्टिस कितने हैं, तो कितने वर्टिसेस है? फोर वर्टिसेस हैं, वन टू थ्री फोर. ये फोर चार जो कोने कहलाते हैं ना बेटा, कोने, उनको वर्टिसेस बोलते हैं. समझ रहे हैं ना? हाँ. तो कितने वर्टिसेस हैं? फोर. अच्छा आप क्वाड्रिलेटरल, हाँ हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून. क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल, कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? वन टू थ्री. हाँ कितने एंगल होते हैं? फोर होंगे, फोर एंगल होते हैं. तो कितने एंगल होंगे? फोर एंगल. अब उसमें पूछ रहा है डायगोनल कितनी होती है? टू डायगोनल होती है. देखो बेटा डायगोनल वो होती है जो अपोजिट साइड को ज्वाइन करती है, जो अपोजिट वर्टिस को ज्वाइन करती है वो क्या होते हैं बेटा? डायगोनल्स. क्या होते हैं बेटा? डायगोनल्स. दीज आर डायगोनल्स. सो देयर आर टू डायगोनल्स. हाउ मेनी डायगोनल्स हियर? हाउ मेनी डायगोनल्स? टू डायगोनल. देखिए डायगोनल आर द लाइन दैट ज्वाइन द अपोजिट वर्टिस. कौन से वर्टिस को ज्वाइन करती है? अपोजिट वर्टिस. अपोजिट वर्टिस को जो भी ज्वाइन करती है जो भी लाइन, उनको डायगोनल्स बोलते हैं. डायगोनल्स कितनी है होती है क्वाड्रिलेटरल में? टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन टू अपोजिट वर्टिस. बेटा डायगोनल वो होती है जो क्या करती है? अपोजिट वर्टिस को ज्वाइन करती है. किसको ज्वाइन करती है? अपोजिट वर्टिस. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट लिखा है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज. बेटा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है, देखो दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक कॉन्वेक्स एक होता है कॉनकेव. बेटा कॉन्वेक्स वो होता है जिनके हर एंगल 180 डिग्री से क्या हो? लेस हो. जिनका हर एंगल क्या हो बेटा? 180 डिग्री से क्या हो? लेस हो. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? लेस हो. अगर मान लो कहीं 180 डिग्री से बड़ा एंगल बन जाए तो वहां कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. ठीक है ना? ऐसे क्वाड्रिलेटरल. और बेटा देखो मान लो एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, एक ए, ठीक है ना, और एक ए. कितने वर्टिसेस है बेटा? थ्री वर्टिसेस है. वो फोर वर्टिसेस है. देखो वन टू थ्री फोर, एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन यहां पर एक एंगल बेटा कितने डिग्री का बन रहा है? 180 से ज्यादा का. कितने डिग्री का बन रहा है? 180 से ज्यादा का.
इसलिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कौन सा है? कॉनकेव। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात और है। क्या खास बात है? अगर हम किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो बाहर आती है। कहाँ ज्वाइन होती है? क्वाड्रिलेटरल से बाहर ज्वाइन होती है। कहाँ ज्वाइन होती है? क्वाड्रिलेटरल से बाहर। और कॉन्वेक्स वाले की कभी भी दो लाइन ज्वाइन करोगे तो कहाँ ज्वाइन होती हैं? अंदर। कहाँ भी ज्वाइन होती हैं? अंदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे इधर? लेस देन। हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। बेटा दो दो साइड एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट माने होता है बेटा अगल बगल। जो अगल बगल नहीं है तो क्या है बेटा? आमने सामने होंगी। क्या होंगी? आमने सामने। और आमने सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। कौन सी साइड बोलते हैं? अपोजिट साइड। है नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना तो है ना। सेकेंड क्वेश्चन रीड। सेकेंड क्वेश्चन जैसे एक पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा। ये बना भी है फिगर। देखो फिगर, सभी बच्चे देख लो। पेज टर्न करो। पेज टर्न करने पे फिगर दिखेगा। क्या दिखेगा? ए बी सी। हाँ हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है? कुछ गड़बड़ होगी दिव्यांशी आपके में। देखो बेटा, बीच में क्या है? एक पॉइंट ओ है इधर, ऐसा 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 ऐसा। बेटा इस क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? बेटा एक क्वाड्रिलेटरल को किन फिगर में डिवाइड किया गया? बताओ कौन सी फिगर है ये अंदर वाले? बताओ। नहीं, ट्राइंगल। हाँ फोर तो है लेकिन है। हाँ क्या है? ट्राइंगल। हाँ ठीक है ना। द क्वाड्रिलेटरल आर डिवाइडेड इज डिवाइडेड इनटू फोर ट्राइंगल। द क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू फोर ट्राइंगल। अच्छा आगे क्या लिखना है? उनकी नेम लिखना है। देखो उसके बाद क्या लिखा है बेटा? उसमें क्या लिखा है? नेम ऑफ ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल का नेम बोलो भाई, कौन सा ट्राइंगल है? डी। चलो ओके ओके, आप रुक जाओ। देखो बेटा पहले मैंने बनाया ई वाला ट्राइंगल, एक इसका नाम लिखा ठीक है, सी ओ डी। फिर लिखा मैंने ए ओ डी। कौन सा वाला? ए वाला। फिर मैंने कौन सा लिखा? ट्राइंगल ए ओ बी। फिर ट्राइंगल बी ओ सी।
है ना। ए फोर ट्राइंगल में डिवाइड किया गया है, समझ गए। नेम भी लिख दिए, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ बात है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये फिगर दिया है थर्ड वाला, ऐसा फिगर है। ऐसा दिया है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जल्दी बताइए। हाउ मेनी एडजेसेंट साइड। अच्छा हमें बताओ एडजेसेंट साइड क्या होती है। पहले जो ए बेटा, ए एडजेसेंट साइड कहलाइए, अगल बगल की। आपका पड़ोसी, आपके घर में जो कोई पड़ोसी रहता है ना, आपका बगल में रहता है, उसको पड़ोसी बोलते हैं। उसी तरीके से बेटा इस साइड का पड़ोसी कौन है, ए वाला भी है, ए वाला। देखो आपका घर अगर बीच में है तो आपका इस साइड वाले रहने, हाँ आपका इस साइड रह, क्या बेटा, हाँ आपके घर के पास कोई रह, आप घर में रहते हो तो आपके घर के दो पड़ोसी होती है ना, इस साइड भी होता है उस साइड भी होता है। इसी तरीके से इस साइड के दो पड़ोसी होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। तो बेटा इसमें कितने पेयर बनते हैं, इसका ए वाला, इसका ए वाला, इसका ए वाला, इसका ए वाला। देयर आर फोर पेयर। हाउ मेनी पेयर, मैं अभी लिखकर बताऊंगा तो और क्लियर होगा। देयर आर फोर पेयर्स, फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। आप बोलना नहीं लेकिन, है ना, एडजेसेंट साइड्स इन द फिगर। अच्छा अब उनकी नाम देखिए, नेम हमें ये बताइए। रिद्धिमा, अदिति, देखो इधर दिव्यांशी, ध्यान से देखना बेटा, और भी बच्चे है ना, आराम ध्यान से देखो। ए बी का पड़ोसी कौन है बताओ जल्दी से, ए बी का पड़ोसी कौन है। ए बी का, वो तो बेटा सामने वाला है, वो तो उसके घर के सामने रहता है। पड़ोसी माने बगल में, इस बगल या उस बगल। ए बी का पड़ोसी कौन बेटा, बी सी। ए बी का पड़ोसी कौन, बी सी। अच्छा बी सी का पड़ोसी कौन, सी सी डी। सी डी क्या होगा, बी सी का, सी डी का, सी डी का पड़ोसी डी, और डी ए का पड़ोसी ए, ए डी नहीं ए बी, है ना। अब देखो बेटा, आपके घर में कोई सामने वाला घर होता है कि नहीं होता है। अब वो सामने वाला घर लिखना है, ठीक है, आपके घर के सामने वाला घर लिखना है। तो इसके सामने, ए बी के सामने वाला घर कौन है, और बेटा बी सी के सामने वाला घर कौन है।
डी ए। तो बेटा हाँ, देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ठीक है। अच्छा देखिए बेटा नेम, अच्छा बताओ आराम और अदिति ये दो लोग में से कोई बताओ, है ना, दिव्यांशी भी बता सकती है कि ए बी का सामने वाला घर कौन सा है होता है। सी डी। और बेटा ए डी के सामने वाला घर कौन सा होगा? हाँ सी बी बोल दो, बी सी बोल दो, जो बोल रहा हूं, ठीक है ना। हो गए दो क्वेश्चन हो गए। हाँ साइड ही तो है। अच्छा बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ू? बेटा एडजेसेंट माने पड़ोसी, ए इसका पड़ोसी कौन है? ए वाला। इसका पड़ोसी ए वाला, इसका पड़ोसी ए वाला, इसका पड़ोसी ए वाला। देखो कितने पेयर बन रहे हैं? फोर पेयर। देयर आर फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर। अच्छा नेम कौन सा बेटा? एंगल ए का पड़ोसी कौन है? एंगल बी। एंगल बी का? एंगल सी। एंगल सी का? तो अभी आगे बढ़ तो रहे बेटा। एंगल डी का? एंगल ए, ठीक है ना। ओके बेटा डी के बगल में ए नहीं है देखो। अच्छा फोर्थ वाला इसका क्या लिखा है? हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल? देयर आर फोर, सॉरी अपोजिट के पेयर कितने होते हैं हमेशा? टू। अपोजिट एंगल्स इन द फिगर। अच्छा हमें बताइए एंगल ए का अपोजिट कौन है जल्दी से बताओ। अरे बताओ एंगल, और बेटा एंगल बी का? ठीक है ना।
ठीक है, ओके ओके बेटा। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। अरे पढ़ो। अरे देखिए बेटा, नो टू व्हाट इज, हमें बताओ, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उसने बोला कोई भी दो वर्टिसेस एक ही लाइन पे नहीं आएंगे। तो देखो बेटा, ये तो एक ही लाइन पे है ना, बोलो है कि नहीं है, बोलो। तो वो गलत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? उसने बोला कोई भी दो वर्टिसेस एक ही लाइन पे नहीं आएंगे, वो तो एक ही लाइन पे है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। अच्छा आगे पढ़िए। आगे पढ़िए बेटा। अच्छा हमें बताइए, वो उसने बोला क्या कोई भी, उसने बोला कोई भी थ्री वर्टिसेस एक ही लाइन पे नहीं आएंगे, तो क्या तीन वर्टिसेस एक ही लाइन पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो वो सही बोल रहा है ना। उसने बोला कोई भी तीन वर्टिसेस एक ही लाइन पे नहीं आएंगे, तो वो सही बोल रहा है। कहाँ आ रहा है तीन वर्टिसेस? एक ही लाइन पे आ रहा है। हाँ अच्छा आगे पढ़िए। बेटा क्या सारे पॉइंट अंदर आते हैं क्वाड्रिलेटरल के? हाँ ये तो बेटा इधर पी है, ये तो क्वाड्रिलेटरल पे आ रहा है, ये डी है, ये तो क्वाड्रिलेटरल पे आ रहा है। सारे पॉइंट अंदर तो नहीं आते हैं ना? नहीं आते हैं बोलो। उसने बोला है कि सारे पॉइंट अंदर आते हैं क्वाड्रिलेटरल के। कहाँ आते हैं बेटा सारे पॉइंट? कुछ तो बाहर भी लो, मैंने बाहर बना दिया ही। एक क्वाड्रिल, कुछ पॉइंट तो क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ अच्छा आगे। अच्छा अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपके पास कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, मैंने बना के भी बताया था, तो उसकी अगर लाइन ज्वाइन करते हो तो वो अंदर ज्वाइन होती है कि बाहर? बाहर होती है ना, बाहर होती है कि नहीं होती है? होती है ना, देखो ये बाहर हो रही है ना ज्वाइन। देखो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है और ये कहां ज्वाइन हो रही है? ज्वाइन करो, बाहर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसने बोला कि अंदर ज्वाइन होती है। उसने क्या बोला? कि अंदर ज्वाइन होती है। अगला पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन, ये क्या लिखा है जल्दी पढ़ो इस लाइन को। बेटा जब हमने देखा कि फोर पेयर होते हैं, तो वो तो गलत बोल रहा है, वो तो बोल रहा है टू पेयर होते हैं, तो क्या क्या लिखते हैं? फॉल्स। क्या लिख देंगे? अगला क्वेश्चन पढ़िए। बताइए बेटा, अगर ए, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा? अगर मान लो
एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसमें कौन सा पेयर एडजेसेंट नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? ए और बी, ए और बी पा, ए तो है, सेकेंड वाला सी और, हाँ सी और डी, ए भी है बगल बगल में है ना, आगे कौन सा है? बी और डी, हाँ बी और डी नहीं है बेटा, कौन सा नहीं है? बी और डी, ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है। कहां पर है? आमने सामने है। कैसे हैं बेटा? अपोजिट है। कैसे हैं? अपोजिट। बेटा फोर पेयर होते हैं ना एडजेसेंट साइड्स के, एडजेसेंट साइड के फोर पेयर होते हैं। अभी क्वेश्चन थर्ड में करवाया भी है मैंने, ठीक है। हाँ सिक्स वाले में क्या लिखा है? इन अ क्वाड्रिलेटरल पी आर इज नोन एज, पी आर क्या है बेटा? साइड है ना, पी आर क्या है उसकी? अरे बताओ, पी आर डायगोनल है। क्या है? डायगोनल। क्या है बेटा? हाँ क्या है? डायगोनल। डायगोनल क्यों है बोलो जल्दी बताओ, डायगोनल क्यों है? हाँ क्योंकि वो बेटा, क्योंकि वो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है। किसको ज्वाइन कर रही है? अपोजिट वर्टेक्स को, इसलिए क्या है वो? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। ओके थैंक यू।